अंदर की बात बता रहा हूँ कि मैं अनमैरिड हूँ, बाखुदा मुझे कोई मेरे लाइफ कोई लड़की मिली नहीं जो मुझे समझ सके। जी मेरा नाम अनम है। अनम बात कर रही है? हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप इस लड़की को 50,000 देने को तैयार हो गए? लानत नहीं है आपको? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फैसल राजा मैजिशियन आपके सामने मौजूद है और मेरे साथ बैठी हुई ब्यूटीफुल मॉडल खूबसूरत सी बच्ची थी जिसका नाम है अनम जावेद, जिनके साथ हमने एक प्रैंक किया था लेकिन अब हम मिल के साथ काम कर रहे हैं। और हमने सोचा देखे हालात तो बाहर के ऐसे नहीं कि हम बाहर निकल के कुछ रिकॉर्डिंग कर सके, क्यों ना घर में बैठे बैठे ही छोटा सा चुटकुला छोटा सा मजाक करें, क्योंकि लोग वैसे ही सेमी अजियत में चल रहे हैं इस वक्त के वायरस की वजह से बाहर नहीं जा रहे। तो हमने भी सोचा कि घर में बैठ कर ही क्यों ना छोटा मोटा मजाक कर लें, थोड़ा लोगों का दिल बहल जाए। तो हमारे दोस्त को कॉल मिलाई जाएगी, इमरान है, बहुत अच्छा बंदा है हमारा, वो कितना अच्छा है इस बात का अंदाजा तो मुझे नहीं, लेकिन उसकी एक ज़हनी फितरत और उससे मैं वाकिफ हूँ कि वो किस तरह का है। तो उसी को अनम कॉल करेगी और उसकी बातों से इंजॉय करेगी और फिर मैं बताऊँगा उसकी असल कहानी क्या है और असल मुद्दा क्या है। तो अनम कॉल मिलाइएगा उसको। जी बिल्कुल, अभी मिलाते हैं कॉल। और डबल ए ट्रेडर्स उनकी कंपनी का नाम है? जी डबल। बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कॉल बेल जाने दिए दोस्तों। मेरे ख्याल से बिजी है, फोन नहीं उठा रहे। इमरान साहब तो भी बहुत ही मसरूफ है, बिल्कुल काम है, बिजनेस भी है, एक मिनट दोबारा करेंगे इनको। कोई बात नहीं, अभी नहीं उठाते, दोबारा कॉल करते हैं। जितनी तारीफें आपने की है उस हिसाब से तो उससे बात करना बनता है। बिल्कुल जी हाँ, फिर तो तारीफों के बाद बात करना तो बनता है, जैसे कॉल उठाएंगे तो मजा भी आएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप इमरान साहब बात कर रहे हैं डबल ए ट्रेडर से? जी 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 मैं NID बैंक से बात कर रही हूँ। मुझे असल में आपसे क्रेडिट कार्ड के हवाले से बात करनी थी कि आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया है इससे पहले? क्रेडिट कार्ड तो है नहीं, बनवाता हूँ। अच्छा, तो बनवाना चाहते हैं आप सर? क्रेडिट कार्ड बनवाने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ सर। आप ऐसे मत बात करें सर, बहुत मैं बहुत मजबूर हूँ सर। क्या 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 हो गया आपको? हेलो सर, मैं क्या बताऊं सर, मुझे बस क्रेडिट कार्ड बनवाने का कहा गया है कि मैं आके बोलूं लोगों को, क्लाइंट्स को जमा करूं, लेकिन कोई एक भी क्लाइंट नहीं मान रहा है। मैं क्या करूं सर, मैं बहुत परेशान हूं। क्या क्या परेशानी की आपको बताएं तो सही। और सर आप फिक्र बाहर की कैसे चल रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, वैसे लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। मेरे पास एक कितनी मुश्किल से मुझे नौकरी मिली थी, एक तो मेरे पास पैसे नहीं है, ऊपर से मेरा घर भी किराए का है, मालिक मकान को किराया देना। सर मैं क्या बताऊं आपको, इतने मसले हैं मेरे साथ। अरे आप बेफिक्र होकर मुझे बताएं ना, मैं आपके मसले इंशाल्लाह हल कर देता हूं। आप बेफिक्र हो जाइए, आप बेफिक्र रहिए। आप सच कह रहे हैं सर? मैं बता रहा हूँ ना, आप अपना मुकम्मल तारुफ करवाइए मुझे, मैं बताएं फिर मिल लेते हम कहीं, आप बेफिक्र हो जाएं। सर आप जैसे फरिश्ते भी होते हैं दुनिया में, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था, मैं क्या बताऊँ। मेरी तो इतनी मैं परेशान थी, इतनी परेशान थी, मेरा तो दिमाग खराब हो गया रो रो के। आप मुझे बताएं मैं आपसे कैसे कॉन्टेक्ट करूँ। आपका पर्सनल नंबर तो होगा ना? हाँ जी जी बिल्कुल। ये नंबर आपका अब तक? नहीं, ये तो बैंक का है ऑब्वियसली। तो आप एक काम करें ना, मुझे अपना पर्सनल नंबर सेंड करें, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। जी जी, इसी नंबर पे आपको कर दूँ सेंड? जी 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 करें। नाम भी बता दीजिएगा। जी मेरा नाम अनम है। अनम बात कर रही है? हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, चले नंबर सेंड करें। हाँ ठीक सर, वो मैं ये पूछ रही थी कि वो आपकी शादी हुई हुई है क्या? नहीं 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 नहीं, मैं अनमैरिड हूँ। अच्छा अच्छा और बेफिक्र हो जाए, बेफिक्र हो जाए, आप किसी
आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। अब मैं ठीक है सर, मैं आपको अभी मैसेज करती हूँ अपना नंबर। हाँ जल्दी 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 करें सर। ठीक है, ओके जी। क्या हाँ, तो इन्होंने मुझे बोला है कि इनकी शादी नहीं हुई है और आप डिटेल बताइए। अल्लाह माफ करे। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा दोस्त ही है, इमरान नाम है इसका, और इसके 3 बच्चे। ये कह रहा है इस लड़की को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि मेरी शादी नहीं हुई भी, हमने इसे बेवकूफ़ बनाना था लेकिन ये इनको बनाने पे तुला हुआ। तो इससे अंदाज़ा लगाया कि कितना बड़ा थर्की इंसान होगा ये, कुछ सोचा आपने? करते हैं इनको दोबारा कॉल करें इसी नंबर के ऊपर, बोलो मेरी सिम बंद हो गई है सर। नहीं, सिम 2 से करते हैं ना कॉल। अच्छा, सिम 2 से करें कि ये मेरा पर्सनल नंबर है। सिम 2 से करते हैं कॉल। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं अनम बात कर रही हूँ, आपको बताया था ना? जी 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 जी, मैं कॉल करना ही लगा था आपको। हाँ जी, वो बस मैंने बोला मैं ही कॉल कर लेती हूँ। अच्छा, क्या क्या मसला, क्या बता रही थी आप? सर मेरे साथ तो बहुत मसला है, मैं क्या बताऊं, कितने मसले गिनवाऊं आपको। मेरा घर किराए का है, मेरे पास किराए के पैसे नहीं है, मैंने 2 महीने से किराया नहीं दिया, और तो और मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है। अरे आप प्लीज रोए नहीं, मेरा दिल, मैं बड़ा कमजोर दिल का मालिक हूँ, मुझसे ही जो है किसी की परेशानी देखी नहीं जाती। आप मुझे बताएं आपको कितने की नीड है सर, आप कितने दे सकते हैं? अरे आप बताएं सही, कोई मसला नहीं, आप मुझे बता दें आपकी नीड कितनी है। मैं तो बहुत सारे, आप में तो बहुत। अब सर वो मुझे बस ज्यादा की तो नहीं, मुझे सिर्फ 30,000 रुपए की जरूरत है। मैं इंशाल्लाह आपको वापस कर दूंगी जब मेरे मुझे। कितने कितने बताए आपने? 30,000 बस। अरे कोई मसला ही नहीं है 30,000 का। आप मुझे बताएं कि मैं कैसे मिलूं आपसे या कैसे आपको पैसे पहुंचाऊं? सर अभी तो मुझे बहुत ज़रूरत है, आप अभी इजी पैसा कर दें अगर तो। मुझे असल में मालिक इंसान को पैसे देने हैं, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। अब तो ये वो ये नौबत आ गई है घर में कि वो धमकियाँ देने के तरह। एक बात सुनेगी आप? जी जी। आप ये खाम खाम में नौकरियाँ कर रही हैं, आप छोड़े नौकरी वोकरी। अरे मेरे पास हजारों एम्प्लॉय है और मुझे अंदर की बात बता रहा हूँ कि मैं अनमेरिड हूँ, बाखुदा मुझे कोई मेरे लायक कोई लड़की मिली नहीं जो मुझे समझ सके। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ये मसले तो आपके साथ फिर लगे ही रहेंगे, हर महीने आपको किराया भी देना है और अदर एक्सपेंस भी है, तो आप अगर बुरा नहीं मनाए तो मुझसे शादी कर लें आप। सर लेकिन मैंने तो आपको अभी तक देखा भी नहीं है, मैं कैसे शादी कर लूँ आपसे? आप जैसे आपने इमेज किया होगा ना, कि इमेजिन किया होगा कि आपका हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, बेफिक्र रहिए, मैं इंशाल्लाह सारी खूबियाँ मेरे अंदर है। अच्छा हाँ, आप बेफिक्र हो जाइएगा, सारे मसले जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी आपके परेशानियां वो सारी दूर हो जाएगी, बस आप जो है ना वो हाँ करें, मैं आपसे मिल लूंगा। और मैं कहता हूँ इजी पैसा में आजकल आपको पता ना कोरोना वायरस की वजह से आया हो, तो आप मुलाकात नहीं कर सकती उससे? सर लेकिन मुलाकात तो मैं कर लूंगी, लेकिन पैसों की तो मुझे फौरन जरूरत है ना, मैं क्या करूँ आप बताएं, मैं कितनी परेशान हूँ, मैंने आपको अपना सारा हाल नहीं 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 मैं कर देगा। अरे रोए नहीं, मैं रोए नहीं, रोए नहीं, मैं आपको 50 कर देता हूँ, आपने बोला ना 30, मैं आपको 50 कर देता हूँ, मगर एक 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 वादा करेंगे आप? क्या वादा सर? आप ये जॉब छोड़ दें और मुझसे, मैं कोशिश करता हूँ मैं गाड़ी लेके आ जाता हूँ ना आपके पास, आप जहाँ भी हैं मैं आ जाता हूँ, आपका ऑफ टाइम होने वाला है तकरीबन, मेरे घर में 5 तो बचने वाले, बैंक का टाइम तो यही है ना आजकल, मैं तो सर मिलना भी जा रहा था ना, आप मेरे भी तो दुख सुने ना, मैंने आपसे कहा कि आप 50 ले लें। अच्छा आप अपने मामले सुनेंगे इमरान साहब, मेरी बात सुनेंगे? जी 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 जी। हाँ कभी आपने अपने दोस्तों की मदद की है? दोस्तों की आपने अभी देख लिया, ये फर्स्ट टाइम कॉल आई है, मैं देख लिया नहीं आपने साहब देखे, आपने कभी अपने दोस्तों को ट्रीट नहीं दी, कभी कोई 100 रुपए भी उधार नहीं दिए, आप अपनी गाड़ी में यकीन करें अपने दोस्तों को लेके जाते हो तो CNG भरवा लेते हो, और आप इस लड़की को 50,000 देने को तैयार हो गए, लानत नहीं है आपको? कौन बात कर रहे हैं मेरे भाई, ये मैं कौन बात कर रहे हैं? पहले ये बता बातें गलत है या सच है? सच है नहीं,
यार मैं अभी ना दरअसल कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे बताएं तो सही आप कौन बात कर रहे हैं। देखिए आप कितने कितने यार, ये आप बताएं तो सही, मुझे आवाज थोड़ी कंफ्यूज हो रहा हूँ मुझे। तो करें कौन बात कर रहे हैं आप, पहचाने आप कितने कितने देखे थे, आपने कहा कि आप कुंवारे हो, आपके तीन बच्चे दो हैं, अब्दुल आदि हुजैफा है और नोनी, लगती नहीं है यार। देखो मदद किसी औरत, कोई औरत रोएगी मेरे भाई, आप मेरे जानने वाले, कोई औरत अगर रोएगी तो आपका दिल तो पिघलेगा या नहीं पिघलेगा भाई। वो बच्ची रोई है, देखो वो बच्ची रोई है, किसी की बहन बेटी है। बात सुने बात सुने, रो ये तो गवर्नमेंट ने आपके घर के सामने बाबू भाई का केबिन गिराया था, आप वहाँ खड़े हुए थे, उसकी वाइफ उसके बच्चे सब रो रहे थे। आप अगर इतने रैम दिल हो तो उसको 10,000 नहीं दे सकते थे यार। इस लड़की के ऊपर आपको फौरन रेम आ रहा, 50,000 दे रहे हो और आपका घर 90 लाख रुपए का है। उस बाबू को अगर कुछ दे देते तो आपका दिल कितना, वो कितना खुशी और दुआएं देते आपको। आपको उस टाइम पे नेकी करना याद नहीं आई और आज नेकी कर रहे हैं यार, बेगैरत नहीं हो आप थोड़े यार। अभी आप बाबू भाई को बीच में क्यों लेके आ रहे हो, आपको क्या पता कि बाबू भाई से मेरा क्या मसला चल रहा है। अब मैं अपना नाम बताऊं, बाबू भाई को नहीं दे सकता मैं अपना नाम बताऊं, मैं नाम बताऊं, फोन मत काटना आप फिर। जी जी बताएं बताएं बताएं, देखिए बुरा नहीं मानना, फिर कहीं आप मोहल्ले में मिलो और लड़ाई झगड़ा करने लग जाओ। जी कौन बात कर रहे हैं? मैं तुम्हें तो पता है, मैं मुझे तुम देखते रहते हो, मोबाइल पे भी देखते हो, घर में तुम लैपटॉप में भी देखते हो, मैं फैसल राजा बात कर रहा हूँ। अबे यार मैं तो पूरी शुरू में ही समझ गया था, जब कॉल आई थी ना मैंने बोला ये वही मेरे साथ लड़कियों के चक्कर में पड़ता नहीं मैं। अच्छा इसको पता मैं नहीं, वो कह रहे मैं शुरू में ही समझ गया था, मतलब ये अब तक मजाक कर रहे थे। अरे यार हम तो सीरियस हो गए थे। तो इमरान भाईजान तेरी दोस्ती का पता चल गया, तू दोस्तों के लिए कितना मुखलिस है और लड़कियों के लिए कितना मुखलिस है, बहुत शुक्रिया तेरे से। मैं दोस्तों के लिए भी हाजिर हूँ, अब तुम वो तो बातें भूल रहे हो। तो फिर बातें नहीं, तुझे मैंने चिप्स नहीं खिलाए थे, मैंने चिप्स खिलाए थे यार। 50,000 ने चिप्स खिला दिया, इसको 50,000 दे रहा, हमको 50,000 समझावा नहीं। बात ये कि यार देखो जब होते हैं तो खिलाता भी हूँ, जो नवीद है पुलिस वाला उससे पूछ, उससे पूछ क्या, उससे पूछ मैंने कितने इसको वो बाबू भाई के पान कितने खिलाए। अब तुम मजाक कर रहे यार, मैं ऐसा नहीं हूँ, तुझे पता ये बच्ची है अपने बहन लोग जैसी है लड़की यार, ये तेरे बच्चे किसके जैसी है, इसको बोल किसके जैसी है बता। मेरे तो बच्चों जैसी है, अब देखो किसी की भी बहन बेटी हो रोए तो यार दिल तो पिघल जाता है ना, बड़ा अच्छा बात। तूने इसको अपनी बेटियों जैसी समझ लिया, क्योंकि तेरा बेटा खुद 19 साल का और ये भी कोई इतनी बड़ी नहीं है, ये भी उनके बराबर है। बहुत शुक्रिया से मुलाकात करते हैं, शर्मिंदा कर दिया, शर्मिंदा नहीं गंदा कर दिया, मैं मोहल्ले में मिलूंगा तुझसे। अरे यार इसको चलाइयो नहीं यार, भाई यार प्लीज यार। नहीं नहीं इसको नहीं चलाएंगे, सिर्फ ऑडियो चलाएंगे, तस्वीर इसको नहीं चलाएंगे, सिर्फ आपकी आवाज को चलाएंगे, वो भी जो यार और हम आपको ऐसे एक प्रैंक किया था हमने आपके साथ, और हम आपसे थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे। वैसे तो आप कह रहे हैं आप शुरू में ही समझ गए थे, और इस तरह से आपने भी हमारे साथ एक प्रैंक कर दिया है ना। ठीक है जानी, ठीक है। तो जी हाँ दोस्तों, ये थे हमारे दोस्त है इमरान, देखा आपने, ये वो बंदा है कि अगर इसको कोई आवाज दे दे ना, इसके हाथ में कुछ खाने की चीज हो तो यूं देख के कट जाता है। तो आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा, कि हमारी ये इस कॉल में यकीनन मजा आया होगा आप लोगों को, और जरूर आपने सुना ही होगा इन्होंने क्या कहा कि मैं इनकी बहन जैसी हूँ। इसी तरह आप अपने अपने घरों के लड़कों पे भी नजर रखें कि वो कब कब किस किस से बात करें और कहाँ कहाँ पैसे लुटाने के लिए तैयार खड़े, तो नजर रखना बहुत जरूरी है। तो अब हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी अच्छी वीडियो के साथ।